एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित भगतपुर गांव पड़ा। लगभग 1237 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 15 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से 46 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में सुशीला देवी इस गांव की प्रधान हैं। लगभग 872 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में 180 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 110 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 3 हैंडपंप को वर्तमान प्रधान द्वारा रिवॉल्व कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 60 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य व पानी निकासी के लिए नाली का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान सुशीला देवी, ग्राम भगतपुर, जिला है विकासखंड बिसौली, जिला बदायूं। हमारे गांव में हमने विकास कार्य कराए हैं। धन के अभाव में कुछ कार्य जनता से किए हुए वादे धन के अभाव में अधूरे हैं। उसे सरकार से अगर धन प्राप्त हो तो मतलब जनता की समस्याएं थोड़ी मतलब दूर हों।